भिगा देते हैं, क्योंकि पानी में इसमें भिगा देते हैं भाई शाम को जो है खिलाते हैं। का जैसे DOC राइस पाली बच्चे जो है डिवार्निंग करके हटाया गया है बच्चे अभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू, आप देख रहे हैं अन्नदाता किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो आप सब कमेंट करते रहते हैं गोलू जी अपने फार्म की वीडियो लाइए और आपके फार्म पे कितने जानवर हैं अभी और पहले कितने थे और आप क्या खिला रहे हैं और कैसे खिलाते हैं, सारा चीज़ आप सब कमेंट करते रहते हो कि गोलू जी अपने फार्म के आप वीडियो नहीं लाते हैं जल्दी। तो आज दोस्तों मैं मुझको टाइम मिला है अपने फार्म की वीडियो बनाने के लिए और आपको चल कर दिखाना चाहूँगा जो है अपने पास कितने जानवर हैं और क्या खिला रहे हैं अभी, कैसे खिलाते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए अपने फार्म पे अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं एनिमल जो है। तो दोस्तों चलते हैं फार्म के अंदर, आपको दिखाते हैं एनिमल। ये गेट के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए ऐसे चलते हैं, ये हमारे फार्म की जो है गैलरी है और थोड़ा गेट बंद कर रहे थे। तो दोस्तों आप सबको पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा जो पानी का टैंक है। ये दोस्तों हमारा पानी का टैंक है और ये गैलरी है फार्म की जो है, अभी तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, आप सब जानते भी होंगे। और चलिए पहले जानवर शुरुआत नहीं करूँगा, पहले आपसे जो जानकारी आपको देना चाहूँगा, पहले तो चारा मैं किस तरीके से खिलाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम जो है सुबह भिगो देते हैं, भिगा कर और जो है इसमें मक्का है और DOC वगैरह जो मिलन मिक्सर पाउडर वाउडर है जो पूरा अपना फीड जो है सुबह जो है इसमें भिगा देते हैं, क्योंकि पानी में इसमें भिगा देते हैं भाई शाम को जो है खिलाते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं क्या क्या मिला है। तो दोस्तों इसमें मिला है मक्का, जैसे DOC राइस पालिस और इसमें किनकी है जो है राइस वालिस वो भी बोला जाता है राइस, और जो है इसमें मिलन मिक्सर पाउडर है और ऐसा सारा चीज़ है, नमक है, इतना चीज़ हम सब मिलाते हैं घर की फीड बनाते हैं। तो देख लीजिए ऐसे अपना सब जो है बाल्टी रखी हुई है, इससे निकाल कर अभी भिगा दिए हैं, अब सुबह के लिए इतना है जो है। तो इसमें इतना चीज़ मिलता है और इससे कि हम बात कर लेते हैं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलता है जो पिक को होते हैं सुअर जो हैं। तो अपने बच्चे को आप दिखा देता हूँ थोड़ा से चल के, ये रहे हमारे जो छोटे बच्चे जो है डिवार्निंग करके हटाया गया है बच्चे अभी, ये सब 6-7 किलो होंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी जो है जानवर जो हैं काफ़ी बढ़िया नहीं खा पाए हैं अभी, आज ही जो है अलग करा गए हैं बच्चे जो हैं। तो कुछ बच्चे इसमें लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए कुछ बच्चे इसमें जो हैं लड़ रहे हैं क्योंकि आज ही जो है अलग किया गया है। तो जो है इसमें 17-18 बच्चे हैं दोस्तों और लड़ाई कर रहे हैं अपने में, इसलिए चारा जो है छिटका दिए हैं। इसमें देख लीजिए सब चीज़ मिला हुआ है, सब खा रहे हैं काफ़ी बढ़िया से दोस्तों। भिगाड़ से क्या होता है कि दोस्तों भिगा कर अच्छे से खा लेते हैं, भीग जाता है और फूल जाता है जो, क्योंकि मक्का तो बास मारने लगता है जो मक्का रहता है, मगर ज़्यादा टाइम 2-4 घंटा 5 घंटा आप सब भिगा कर रखें। ये मादा जो है दोस्तों हमारी जो है अभी इसके बच्चे जो हैं तगड़े थे, जो बच्चे उसको अलग कर दिए, जो तगड़े बच्चे थे उसको अलग कर दिए गया, उसमें शिफ्ट कर दिए गया, जो बच्चे इसमें हैं जो है इसमें रह गया, क्योंकि कमज़ोर बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं, और जो तगड़े हो गए थे दूध पीने नहीं दे रहे थे जो है इसको बच्चे के आप देख पा रहे हैं, तो इनको जो है इसमें रहना दिए रख दिए, और जो बच्चे ज़्यादा उद्यमान करते थे बड़े हो गए थे जैसे कि उसमें कर दिए शिफ्ट में, क्योंकि उसमें दो मादा के बच्चे हैं, एक मादा के नहीं हैं, और जितने बच्चे हैं एक मादा के नहीं हैं। ये 13 बच्चे को जन्म दिया था, वीडियो में डाला था यूट्यूब पर, आप देखे भी होंगे, और ये बच्चे लगभग जो है 3 महीने के हो गए हैं अभी, 30-35 किलो बच्चे हैं ये बच्चे जो आप देख पा रहे हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं नर मादा की दोस्तों, तो नर इसमें लगभग जो है 5 नर हैं 4 मादा हैं, 9 बच्चे इसमें हैं, बच्चे या कह लीजिए बड़े जानवर कह लीजिए काफ़ी अच्छे हैं, अभी जो है पूरा ख़त्म कर दिए हैं और मांग रहे हैं खाने के लिए, मगर हम जो है वीडियो जो शूट कर रहे हैं इसलिए इनको चारा नहीं डाल रहे हैं, और
तो इन्हों लोग जो है चारा और मांग रहे हैं, खा लिए हैं जो जितने बच्चे थे, तो काफ़ी स्वादिष्ट रहता है क्योंकि अच्छा मांस सब हर चीज़ मिक्सिंग कर लेते हैं, इसलिए जो बच्चे होते हैं पूरा बढ़िया से फर्स्ट क्लास खा लेते हैं। तो आधा घंटा में जो है 20 मिनट में ख़त्म कर दिए, क्योंकि मैं ख़त्म कर देते हैं पहले थोड़ा थोड़ा चारा जो है डालता हूँ अपने जानवर को जो है, क्योंकि खाते रहेंगे तब उनको एक बार खिला कर फिर से दोबारा डालते हैं चारा, मतलब हल्का चारा पहले डाल देते हैं पूरे जानवर खा लेते हैं तो फिर से एक जानवर को खिलाया जाता है। तो काफ़ी जो किसान होते हैं उनको ये सब नहीं पता रहता है, क्योंकि डालें चारा अब भाग जाते हैं जो होते हैं, क्योंकि दोस्तों सुअर पालन में क्या है ऐसी चीज़ है, जानवर को आपके पास चाहे जितने जानवर हों चारा जो है खिलाने समय जो है फेंक कर उनको चला ना जाए उनके लगे से, उनको आधा घंटा एक घंटा टाइम दीजिए जो है, कौन एनिमल आपका ज़्यादा खाया और जो है कौन कम खाया ये सब देखते हैं हम जो है दोस्तों, जितने भी जानवर हैं सबको देखते रहते हैं कौन से जानवर जो है ज़्यादा खा लिया और कौन कम खा रहा है, तो उसके बारे में देखता रहता हूँ क्योंकि दिक्कत हमको ना झेलना पड़े। तो ये हमारा ब्रीडर रहा, दो ब्रीडर हैं हमारे पास, अगर आपको ख़रीदना है तो मोबाइल नंबर हमारा जो है मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, एक सेल करने के लिए उपलब्ध है जो छोटा वाला है, क्योंकि जानवर भाई हाल ही में सेल किया गया है, ज़्यादा जानवर तो है नहीं दोस्तों, 40 जानवर हैं बच्चे वगैरह मिला कर हमारे पास, और इनको इसलिए हम सब ध्यान देते हैं, जैसे कि देख लीजिए सब खा चुके हैं पूरा साफ कर दिए हैं, ये हम सब ध्यान देते रहते हैं क्योंकि जानवर जो है देखते हैं कौन कम खाया कौन ज़्यादा खाया, तो इससे क्या होगा कि आपके जानवर जो हैं उसका पेट जो है भरा रहेगा ये ध्यान अगर देंगे, और अच्छा ग्रोथ भी करेगा। और जैसे कि ये मादा रहे, ये भी मादा बच्चे करी है, कम उम्र में क्रॉस करा दिए थे दोस्तों 60 केजी पर, और उसके बच्चे अभी 7 बच्चे दिए है, इसमें पैरा जो है वहाँ पर देख लीजिए धान का जो पैरा होता है वहाँ पर जो पूरा बैठे हुए हैं, लगभग अभी सो रहे हैं, आपको वहाँ पर चले या दिखाएं या यहीं से दिखा दे रहा हूँ, वहाँ सब बैठे पैरे में घुसकर बैठे रहते हैं क्योंकि ठंड है अब, तो गर्मी के लिए उसमें चले जाते हैं जितने बच्चे हैं। तो अभी जो है आप देख पा रहे हैं काफ़ी जो है बच्चे हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हेल्दी हैं, और चारा जो है दोस्तों फिर से मांग रहे हैं खाने के लिए, तो उनको थोड़ा से चलें डालें और जो है दोबारा डाल दें, क्योंकि दोबारा डालते हैं क्योंकि कोई जानवर का भी पेट हमारे नहीं भरा हुआ है, तो ख़त्म कर दिए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो जानवर होते हैं काफ़ी चौंस खा लेते हैं और जो है फर्श भी सूख जाती है, ठंड भी ना लगेगी। अभी देख लीजिए पूरा चारा जो है ख़त्म हो गया, तो हम अभी डालेंगे इनको सबको, अभी जो है ये बच्चे जो हैं इनका जो है चारा नहीं ख़त्म हुआ। तो यही है दोस्तों हमारे यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे कितने महीने में जो है जानवर आपके तैयार होते होंगे गोलू जी, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 7.5 महीने में लगभग 80-90 किलो होते हैं, क्योंकि जो हम खिला रहे हैं उसके हिसाब से जानवर जो होते हैं हमारे जो खिलाते हैं उसी हिसाब से हमारे जानवर जो होते हैं तगड़ा होते हैं और जो हैं तैयार भी होते हैं। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो है जानकारी आप सबको काफ़ी अच्छी मिली गई होगी क्योंकि काफ़ी लोग के सब पता नहीं रहता है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी जो है वीडियो हुई, मगर आप सबको जो है जानकारी अच्छी दिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो आज के मेरे करने के लिए थैंक यू दोस्तों, कोई वीडियो में आप सबके मिलते हैं।